नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पीआर पर। भक्त चरण दास पर टिप्पणी करना कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव को भारी पड़ गया। बता दें, आज कांग्रेस ने विभिन्न जगहों पर लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया। बता दें कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली से पटना की ओर निकल रहे थे, तब उन्होंने कुछ बयान दे दिया था। पहले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम टिकट क्यों देते, हारने के लिए। उसके बाद जब भक्तचरण दास की बातें सामने आई कि गठबंधन टूट गया है, तो भक्तचरण दास को लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, जिसके बाद लगातार विवाद खड़ा हो गया। कई लोगों ने कई आरोप लगाए, कांग्रेस से भी रिएक्शंस सामने आने लगे और विभिन्न पार्टियों से भी रिएक्शंस सामने आने लगे। बात करते हैं पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने भी रिएक्शन साझा की थी। अब आज उनका पुतला दहन किया गया राजधानी पटना में भी और विभिन्न जिलों में भी। तस्वीरें हमारे पास भागलपुर से आई। भागलपुर के हमारे संवाददाता श्यामानंद जी ने हमें ये तस्वीरें भेजी है, जहां पर लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं में ये बातें थी कि लालू प्रसाद यादव जब तक अपने शब्द को वापस नहीं लेंगे, विरोध बढ़ता ही रहेगा और विरोध जारी रहेगा। आप देखिए तस्वीरें भागलपुर से। लालू यादव होश में आओ, लालू यादव मुर्दाबाद। आज के पुतला दहन का क्या आयोजन है? पिछले तीन दशक में जब भी राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में रही है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है और केंद्र में भी लालू यादव जी को मंत्री तक बनाया है। ऐसी परिस्थिति में एक दलित नेता, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी राजनीतिक परंपरा के खिलाफ है। इसलिए आज बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस बिहार के सभी जिलों में आज लालू यादव जी का पुतला दहन कर रहा है और हम मांग करते हैं लालू यादव जी से कि आप तत्काल भक्त चरण दास जी से और पूरे कांग्रेस परिवार से माफी मांगे। परिचय दीजिए। गुंजन पटेल, अध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की पुतला जो है दहन की गई और इसके बाद उन्होंने कई बातों को भी रखा, विवादित बयान भी दिया। बारी बारी से सबके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां पप्पू यादव भी ने भी कहा कि बड़े नेता को ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती है। कई और लोगों ने भी कहा, लेकिन गौरतलब हो कि लालू प्रसाद यादव अक्सर ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका यह खुला अंदाज है। वो इसी तरह से बातचीत ही करते हैं, चाहे अभी की बात कर ले या पहले की बात कर ले, वो काफ़ी खुले होकर ठेठ बिहारी भाषा में बात करते हैं। उम्मीद है कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन इसके बाद बिहार में लगातार विवाद बढ़ता गया और अब आप ही देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इन चीजों को ले लिया है, जहां कार्यकर्ताओं को कहना है कि जब तक वो अपने शब्द को वापस नहीं लेंगे, विरोध जारी रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।